For HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number six double zero one six zero one eight double nine.

कितने के आसपास आप लोग फीस पड़ेंगे एंड कहां कहा आपको फीस देना पड़ता है और कैसे देना पड़ता है उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे सो so, आप लोग को क्या करना है हार्बे की तरह वीडियो में तक सो so, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो फॉर्म फिलअप के जो नोटिस है बीएड एंड एलएलबी के ऑलरेडी नोटिस आ चुके हैं और आप लोग के टीडीसी के जो फॉर्म फिलअप के नोटिस है करीब 15 फेब्रुआरी के आसपास आ जाएंगे सो वेट करिए जब भी फॉर्म फिलअप के नोटिस आएंगे आप लोगों को डेट्स दी जाएगी फॉर्म फिलअप के और उससे पहले आप लोगों के जो सब्जेक्ट एलोकेशन है ये भी होंगे एंड आपने जो इंटरनल एग्जाम दिए थे आपके यूनिट टेस्ट हुए थे सो so, इन दोनों यूनिट टेस्ट में जिसमें आपको हाइस्ट मार्क्स मिला सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी को कॉलेज को सबमिट करना होगा जो कि फेबर के अंदर जब वो नोटिस दिए जाएंगे वहां पे डेट्स दे दी जाएगी सो so कॉलेज अपने उस मार्क्स को इंटरनल आप लोगों के मार्क्स को सबमिट कर देंगे उसके बाद आप लोगों को फॉर्म फिलप्स के लिए कुछ डेट्स दिए जाएंगे 10 टू 15 डेज आपके पास समय होंगे फॉर्म फिलअप्स के लिए जो कि आपको ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप करना होगा ठीक है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपके जितने भी टोटल सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट उसके आपको फीस एग्जाम फीस पेमेंट करना होगा जो कि करीब आपके एग्जाम फीस 400 से 500 के बीच में होगा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फीस से 500 के बीच में होंगे क्योंकि हर एक सेमेस्टर में 20 30 50 रुपीज के आसपास चेंजेस होते रहते हैं सो so, आप पकड़ के फोर टू फाइव हंड्रेड के बीच में ही आपके फीस स्ट्रक्चर होंगे ठीक है आफ्टर दैट जब आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देंगे आपके आ, जो फीस पेमेंट आप

सो so, उनको चाय पानी पीना होगा और कॉलेज अथॉरिटीज जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे उसके कुछ मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे ये सेंटर फीस लिया जाता है सो so, आप लोगों को टू से थ्री हंड्रेड के आसपास सेंटर फीस भी पे करना होगा सो so, ये है रेगुलर विदाउट बैक ठीक है एरियर पेपर को छोड़ के रेगुलर बेसिस में अगर आप देखो सिक्स so, से लेकर सेवन के बीच में आपके फीस स्ट्रक्चर पड़ेंगे जो की सेंटर फीस इंक्लूडिंग करके होंगे ठीक है अब बात करते हैं अगर किसी का एरियर पेपर है सो फर्स्ट सेम में जो हो आप लोग का कोई बैक पेपर या एरियर पेपर तो है नहीं सो आप लोग का 600 से 750 टू 800 के बीच में आपके फीस स्ट्रक्चर पड़ेंगे ठीक है अब आते हैं जिनका एरियर है मतलब थर्ड से में जो स्टूडेंट्स से एंड फिफ्थ सेम में जो स्टूडेंट्स है आप लोग के अगर एरियर पेपर से बैक पेपर से So, उस फीस के साथ एडिशनल आपको बैक पेपर के फीस भी पे करने पड़ेंगे तो फर्स्ट एक पेपर एक सेम का एक जो बैक पेपर होते उसके लिए करीब आपको 550 से 600 के आसपास पे करने पड़ेंगे उसके साथ अगर एडिशनल आपके बैक पेपर होते हैं तो ये कॉलेज वाइज वेरी करते ठीक है कोई कॉलेज क्या करता है 200 हंड्रेड भी लेती एक एडिशनल पेपर के लिए कोई कॉलेज फिफ्टी रुपीज लेते कोई हंड्रेड लेते सो ये फीस को लेके जो फॉर्म फिलअप के फीस को लेके मैंने आप लोगों को अपडेट्स दी और जब भी ऑफिशियल नोटिस आएंगे सो प्रॉपर स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगी क्योंकि हर साल स्ट्रक्चर uh, चेंजेस होते रहते हैं एग्जामिनेशन फीस के एंड सेंटर फीस के भी स्ट्रक्चर चेंजेस होते रहते हैं सो जब भी अपडेट्स आएंगे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे सो याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आशा मिनो से रिलेटेड हर अपडेट्स आपको चैनल पे मिलते रहेंगे मैं ट्राई करता रहता तो हूँ हर अपडेट्स आप लोगों को देने के लिए एंड काइंडली वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना ताकि उनको भी टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी रिलेटेड सब अपडेट्स मिलती रहे सो so, स्ट्रेंड्स ऐसे आप लिए मेरे साथ बने रहे चैनल के साथ जुड़े रहे सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी